वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, चार्ज की डेफिनेशन सीखी हम लोगों ने, फिर इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज सीखी। चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी चला था बच्चों, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ये प्रॉपर्टी हमारा लास्ट था कि किसी बॉडी पर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, q = ± n × e, वेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, और जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, चलिए इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे लास्ट में, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे आप लोगों को, हर टाइप का जो भी आज तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे उस प्रॉपर्टीज के अंदर। अब आज हम लोग बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जो रिमेनिंग थी प्रॉपर्टीज कल जो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, आज उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और बच्चों मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाएं, किसी भी चीज की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ें और आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल है उनको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए तो लास्ट जो है इसके बाद जो प्रॉपर्टी बच्चों उसको स्टडी करते हैं, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करते हैं यार। जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट में जो हमारा चला था चार्ज जो क्वांटाइज क्वांटिटी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर देख लेना कौन सा है प्रॉपर्टी का नंबर, मुझे ऐसे याद नहीं रहता है, इतना याद थोड़ा रह पाता यार। अच्छा फिजिक्स कैसे याद रह जाता है, वो रह जाता है, वो याद करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट, वहां पे याद करने की जरूरत नहीं है, प्योरली मैथमेटिक्स है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो आप लोग भी बेटा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो और कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, तो आपको भी इतना सारा स्ट्रेस इतना सारा लोड की जरूरत नहीं पड़ेगी फंडामेंटल सब्जेक्ट में यार, याद थोड़ा करना है। चलिए तो बच्चों ये प्रॉपर्टी में ये बोल रहा हूं जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, क्लियर। चार्ज हमेशा मास से रिलेटेड होगा, एसोसिएट होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, समझ लो, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल की बात करें, सर अगर किसी बॉडी पर मास नॉन जीरो है चार्ज भी नॉन जीरो है, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किस केस में पॉसिबल है, क्लियर। मास नॉन जीरो चार्ज नॉन जीरो, अरे यार इसके किस केस में, देखो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा होता है यार, इलेक्ट्रॉन का मास भी है चार्ज भी है, प्रोटॉन कोई एग्जांपल ले लो यार, प्रोटॉन एंड एनी चार्ज बॉडी, क्लियर। कोई भी चार्ज बॉडी हो उसके पास ये चीज होगी, ठीक। सर ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है क्या, एम नॉट इक्वल टू जीरो बट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, यानी बॉडी का जो मास है वो जीरो, मास जीरो ना हो, मतलब कुछ मास हो बट चार्ज जीरो हो, ऐसा पॉसिबल है क्या सर, यस। न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल सर इसके एग्जांपल की बात करें तो यार न्यूट्रॉन ले लो ना, एग्जांपल डाला है ना यार न्यूट्रॉन, तो बच्चों न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन उसका चार्ज नहीं होता है, तो ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती है। सर एम जीरो क्यू जीरो ये भी होता है बेटा फोटोन के केस में, फोटोन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा वहां पर, कि फोटोन चार्ज पार्टिकल, मास जीरो चार्ज क्यू है नहीं इसके अंदर। सर क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है मास जीरो बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बताइए, मास जीरो है, मास जीरो हो गया बट क्यू नॉन जीरो, चार्ज जीरो नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्या होगा बेटा यहां पर, नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे यहां पर बेटा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज बेटा जब मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से आया, ऊपर क्या लिखा देखो, चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास,
जब बेटा मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से आ जाएगा भाई? तो नॉट पॉसिबल, इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग यहां पे लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं बेटा, की पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख पाएंगे हम लोग? देखो, चार्ज चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो, चार्ज जीरो बट मास नॉन जीरो, ऐसा हो सकता है सर, बट मास कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। ओके, बिना चार्ज के मास पॉसिबल है बट बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है, तो ये इसका की कॉन्सेप्ट था, इसका कंक्लूजन था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यार, समझ रहे हो बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। सर इनवेरिएंट इसका क्या मतलब है? तो क्या लिखे बेटा, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट, वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज। बेटा जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज वेरी नहीं करता है स्पीड के साथ, समझ रहे हो? अगर मैं यहां बोलूं बेटा कि क्यू चार्ज किसी बॉडी का, जो भी चार्ज रेस्ट में है वही चार्ज मोशन में भी होगा, समझ रहे हो? कैसा रहेगा ये? सेम। कैसा रहेगा ये? सेम। स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे बेटा? मास हम कैसे फाइंड करते हैं? एम नॉट रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ये जो मास की वैल्यू है इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये एम बेटा, एम डिपेंड कर रहा है स्पीड पर। सर स्पीड पे कैसे? जब हम इस बॉडी को यहां से यहां फेंकते, क्या मास बदल जाता है? यस बदलता है, लेकिन लेकिन बच्चों स्पीड बहुत कम होती है तो मास में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आता जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सर कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब हाई स्पीड से चलते हैं मास पार्टिकल, जैसे स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उस टाइप की स्पीड से चलते तब मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट हम लोग इस चौक को यहां से यहां फेंकेंगे तो बेटा मास जरूर चेंज होगा बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज स्पीड स्पीड जो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अगर मैं यहां इस चीज को बोलूं बेटा, ये जो चीज है एम इज अ डायनामिक मास, एम इज अ डायनामिक मास। ओके, और एम नॉट क्या है बच्चों? दिस इज अ रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास ऑफ बॉडी, समझ लो बॉडी और पार्टिकल। और v क्या है बच्चों? स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी जिसको आप मूव करा रहे हो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, यहां पर बच्चों मैं ये बताना चाहूं आपको कि सर जब स्पीड बहुत कम होती है, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया चौक को यहां से यहां प्रोजेक्ट करने पर, मास पर आपके देखने लायक ऑब्जर्वेशन ही आएगा। ऐसा नहीं कि मास ये 2 ग्राम का था वहां जाके सर 15 ग्राम का हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कम स्पीड पे, बिकॉज इसको आप यहां देख भी सकते हो, मैं यहां पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं लास्ट में। बच्चों मास की वैल्यू क्या है? ये एम नॉट, दिस इज अ रेस्ट मास, डायनेमिक मास। अगर हम लोग बात करें सर, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अगर आपने जो जिस वेलोसिटी से फेंका बेटा वो वेलोसिटी बहुत कम है तो सी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी, तो उसको नेगलेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो, सी स्क्वायर कैंसिल वन आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली मास कम्स आउट टू वी एम नॉट।
कैसा रहेगा? डायनेमिक मास रेस्ट मास के इक्वल ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कम स्पीड पे ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। बट चार्ज के केस में क्या बेटा, जो चार्ज रेस्ट पे था वही मोशन में होगा, कैसा रहेगा? सेम रहेगा चार्ज की वैल्यू, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं भी इसकी एक पिक ले लेता हूं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे इसके बाद सर, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है लास्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा चार्जिंग मेथड, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्जिंग मेथड। चलिए बात करते हैं यार ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, चार्ज चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जो है वो रेस्ट पर है बच्चों, हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर बेटा चार्ज रेस्ट पर ही रहेगा और वो क्या क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भी टॉपिक, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर बेटा चार्ज रेस्ट पर है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सर अगर पॉइंट बी की बात करूं, मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, इतना तो समझते होंगे काइनेमेटिक्स में, यूनिफॉर्मली मतलब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में बेटा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ दोनों प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ। इसके बाद थर्ड है एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बेटा ये हमें याद रखना है और ये अलग अलग चैप्टर आएंगे, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा होगी, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा लास्ट चैप्टर सबसे, उसमें इसकी चर्चा होगी एक्सेलरेटेड चार्ज की, ठीक है। चार्ज को हम लोग वहां पर एक्सेलरेट करा रहे होंगे, ठीक है बच्चों।
अब एक पॉइंट और है बच्चा, q बाई एम, रेशियो ऑफ q बाई एम, ठीक है। अब q बाई एम की बात करें कि सर q बाई एम का जो रेशियो है वो कैसे चेंज होगा स्पीड के साथ। बच्चों किसी बॉडी पर जो है q बाई एम का जो रेशियो होता है बच्चा q बाई एम कैसे चेंज होगा सर, अब आपको पता है फॉर लो स्पीड, फॉर लो स्पीड, लो स्पीड के लिए q बाई एम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा बच्चों, क्योंकि मास ऑलमोस्ट कैसा रहना है, सेम। लेकिन हाई स्पीड के लिए क्या आएगा, फॉर हाई स्पीड, फॉर हाई स्पीड, इस केस में क्या आएगा बताओ बच्चों, स्पीड के बढ़ने से मास डिक्रीज करता है। मास का फॉर्मूला याद है, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वी बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा, तो हाई स्पीड के साथ मास की वैल्यू क्या करेगी बेटा, डिक्रीज। बट चार्ज क्यू कैसा रहेगा, सेम। अब मुझे बताओ क्यू बाई एम के साथ क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी बेटा, स्पीड बढ़ेगी तो मास डिक्रीज, मास डिक्रीज तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, दिस रेशियो विल इंक्रीज, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई बेटा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चार्जिंग मेथड, सही है, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, तो चार्जिंग मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे अब, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग, पिक ले लेते हैं इसकी, चलिए बच्चों अब बॉडीज को हम चार्ज करना सीखेंगे बेटा, कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, चार्जिंग मेथड्स क्या हैं हमारे, ठीक है। चार्जिंग मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों चार्जिंग मेथड में सर चार्ज मतलब, अरे बेटा अब हम सीखेंगे सर बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, बॉडी पे चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। हम लोग तो उसको क्रिएट कर नहीं सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते, तो एक बॉडी से क्या करेंगे दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करेंगे हो सकता कोई बॉडी पहले न्यूट्रल हो और उस पर चार्ज ट्रांसफर होते क्या हो जाएगी बेटा, वो चार्ज हो जाएगी, सही है। ध्यान से समझना चीजों को, कोशिश करेंगे बेटा कि ये हमारे चार्जिंग मेथड्स, तीनों चार्जिंग मेथड आज हमें क्लियर हो जाए, कंप्लीट कर लें हम तीनों चार्जिंग मेथड को। चलिए यार, चलिए स्टार्ट करें यार चार्जिंग मेथड, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बच्चों एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कैसे चार्ज करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग मेथड के केस में बेटा सबसे पहला जो मेथड आएगा हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे हो यार यहां भी फ्रिक्शन आ गया क्या इलेवेंथ को छोड़कर ट्वेल्थ में, थोड़ा सा है दो लाइनें केवल। इसके बाद आएगा बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडक्शन, और इसके बाद आएगा बेटा नेक्स्ट लास्ट इंडक्शन, क्या इंडक्शन, क्लियर, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ठीक है। चलिए तो ये हमारे मेथड है बेटा बॉडी को चार्ज करने के, तीन मेथड हैं फ्रिक्शन कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन मेथड की, फ्रिक्शन मेथड, ओके। इस मेथड की बात करेंगे हम लोग बॉडी को चार्ज करने के केस में। फ्रिक्शन में क्या होता है भाई, फ्रिक्शन क्या करता है, क्या होता है फ्रिक्शन में, बच्चों पहले समझ लो। जैसे हम लोग एक रियल एग्जांपल लें, जैसे एक रियल एग्जांपल लें बेटा,
जैसे आपको जैसे ठंड के टाइम में हम देखते हैं कि हम जब अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी क्रिएट होती है। सर ये एनर्जी कहाँ से आती है फिर? एक्चुअल में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कि इसमें क्या हो रहा है कि बेटा एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, अभी तो मैं हाथ वाला प्रोसेस समझाया था, वैसे तो हाथ वाला प्रोसेस पे अप्लाई नहीं होता है बिकॉज दोनों मटेरियल डिफरेंट होने चाहिए। मतलब एक हाथ है तो कोई दूसरा जो दूसरी जो चीज है वो किसी कोई दूसरा मटेरियल होना चाहिए, डिफरेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जब डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है, डिफरेंट मटेरियल्स को ध्यान रखना हो, डिफरेंट मटेरियल को जब रब किया जाता है आपस में तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, थ्योरेटिकल है, फ्रिक्शन मेथड थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है और उसमें ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो जब डिफरेंट मटेरियल को आपस में रब किया जाता है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर किस बॉडी से किस में ट्रांसफर होते हैं, तो बेटा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन। अब बच्चा ट्वेल्थ का है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है यार वर्क फंक्शन कहां से आ गया। वर्क फंक्शन आएगा बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तब भी पर वहां आएगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां भी कुछ बता देता हूं। फोटो वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब सोचो दो मटेरियल है, एक ये है और एक ये है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा टफ है। तो जब आप इसमें रब करोगे तो रब करने की प्रोसेस में एनर्जी क्रिएट होगी, तो एनर्जी क्रिएट होगी तो वो क्या करेगी, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, और किस मटेरियल में से पहले निकलेगा, जिसमें से उसको निकालना आसान है, यानी इसमें लोअर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इसके लिए कम है, उसमें से उसको निकालना आसान है, तो वहां से वो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब टू डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में रब किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस टाइप से अब जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे बेटा तो एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बॉडी ही चार्ज हो गई। लेकिन जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए वहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दूसरी बॉडी में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यही होगा भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी पॉजिटिव भी चार्ज होती है तो दूसरी बॉडी नेगेटिव भी चार्ज होती है। कभी सिमिलर टाइप की बॉडी, मतलब सिमिलर चार्ज नहीं आ सकते दोनों बॉडी पर, इस पे प्लस, इस पे प्लस, ये भी नहीं हो सकता, माइनस माइनस ये भी नहीं हो सकता, एक पे प्लस होगा तो दूसरी पर 100% माइनस, फ्रिक्शन में ऐसा होगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए यार, तो इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पॉजिटिव और जहां गए वहां नेगेटिव, तो फ्रिक्शन में दोनों बॉडी पे जो चार्ज आएगा बेटा उसकी नेचर क्या होगी, अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट होगा दोनों बॉडीज पर। ठीक है, आई होप आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए हो इस चीज को। चलिए इसको मेंशन कर देता हूं मैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल रब विद ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट के सामने बेटा क्या लिख दूं, लोअर वर्क फंक्शन। सही है, समझा चुका हूं। वर्क फंक्शन मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टू अनदर हायर वर्क फंक्शन। ओके, दिस प्रोसेस क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ
चार्जिंग नोन एज फ्रिक्शन मैथड, फ्रिक्शन मैथड। ओके, की पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते बेटा इसका, की पॉइंट क्या हो जाएगा, की पॉइंट इसमें बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा इन फ्रिक्शन मैथड, इन फ्रिक्शन मैथड बॉडीज एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समझ लो फ्रिक्शन के केस में क्या होगा बेटा, एक बॉडी पे पॉजिटिव है तो दूसरी पर नेगेटिव, जितना पॉजिटिव इस पर उतना नेगेटिव इस पर, ध्यान रखें की पॉइंट है। ठीक है, इन फ्रिक्शन मेथड बॉडीज एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब बच्चों में यहां पे कुछ प्रैक्टिकल यानी कि जो ऑब्जर्वेशन वाली जो चीजें हैं उनको मेंशन कर रहा हूं कि सर किस किस बॉडी पे कौन कौन सा चार्ज आता है। सही है, अच्छा जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, क्लाउड्स आपस में जब टकराते हैं तो वहां भी फ्रिक्शन मेथड से वो चार्ज होते हैं, समझ रहे हो। तो यहां भी यहां नोट कर एक चीज और लिख दे रहा हूं, क्या क्लाउड्स चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, मेथड और प्रोसेस। ओके, अब मैं यहां पे बेटा कुछ चीजें मेंशन कर दे रहा हूं जो किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास को बेटा ग्लास को और सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। वुड को रबर, प्लास्टिक, अंबर, ये नेगेटिव चार्ज आता है इन पर। इसके बाद ड्राई हेयर कॉम्ब, नेगेटिव चार्ज। कैट स्किन, एबोनाइट रॉड। ठीक है, लास्ट में आई होप दिख नहीं रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको बेटा, यहां कैट स्किन, बिल्ली की खाल है ये, समझ रहे हो, एबोनाइट। ये कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस हैं, आप घर पे भी इसको कर सकते हो। कैसे बेटा, आप घर पे भी ये आसान प्रैक्टिकल है, छोटा सा काम करना है इसमें आपको। कॉम्ब लेना है, कॉम्ब उसको ऐसे सूखे बालों पे रब करो, सूखे बालों को रब करने से क्या होगा, बाल और कॉम्ब दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। फिर क्या करो, उसी कॉम्ब को जो धूल के कण है उनके पास लेके जाओ तो वो धूल के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बिकॉज वो चार्ज एक्वायर कर चुका है पहले, समझ रहे हो। चलिए तो यहां तक आप लोग बना लें। तो ये हमारा बेटा फ्रिक्शन मेथड कंप्लीट हो गया है, इजी मेथड था बच्चा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल था यार, इसमें क्या है। अब जो आ रहा है ना इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजे आएंगे इसके अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। कंडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से समझना कंडक्शन को। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको, फ्रिक्शन मेथड को। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज थी ये, थ्योरेटिकल था बेटा कि जब दो बॉडीज को आपस में डिफरेंट मटेरियल्स की बॉडीज को रब करेंगे तो रबिंग प्रोसेस में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसकी वजह से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है,
चलिए बेटा बात करते हैं आप कंडक्शन मेथड की, ध्यान समझना यार। कंडक्शन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड ओके, कंडक्शन मेथड। ठीक है कंडक्शन मेथड बच्चों क्या होता है सुनिएगा ध्यान से बेटा कंडक्शन मेथड को। दूसरा यहां लिख दें यूज्ड ओनली फॉर कंडक्टर्स, यूज्ड ओनली फॉर कंडक्टर्स, केवल कंडक्टर्स पर ही वैलिड है। एक मिनट तो डिस्टर्ब होगा आप। ओके स्टूडेंट्स बच्चों तो कंडक्शन मेथड यूज्ड ओनली फॉर कंडक्टर्स, केवल कंडक्टर्स पर ही अप्लाई होगा और बॉडीज पर अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है अब बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूं, ज्ञान मतलब जैसे 11th क्लास में जो चीजें स्टडी की थी। जैसे बच्चों मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करूं कि अगर हम बात करें एक बॉडी को ऐसे एक मास बॉडी यहां रख दी, समझ लो स्मूथ सरफेस पर, रिलीज करने के बाद कहां जाएगी? तो आप सभी को बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि सर ये कॉमन सेंस की बात है नीचे आएगी। भाई क्यों आ रही है नीचे, क्या वजह है इसकी? बेटा इसकी वजह ये होती है, अगर वो फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो जैसे ये तो कोई भी बता देगा ये डाउन आएगी, बट हम लोग एक बार इसको शब्दों में बयां करें फिजिक्स के तो क्या होगा वहां पर कि सर इसका पोटेंशियल एनर्जी लेवल ज्यादा है और ये कम पोटेंशियल लेवल पर आ रही है। बच्चों पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म में भी बोल सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी देखो 11th में हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विच इज नोन एज पोटेंशियल। तो आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जहां ज्यादा मतलब वहां पोटेंशियल ज्यादा। तो बच्चों ये बॉडी क्या कर रही है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आ रही है। ठीक है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल कर रही है। ठीक है अगर बच्चों यहां पर मैं एक वाटर पाइप ले लू, ये पाइप वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह क्या है बताओ, यहां प्रेशर P1 यहां प्रेशर P2, तो वाटर फ्लो करता है बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो ज्यादा जो प्रेशर है उसकी तरफ से लो प्रेशर पे जाएगा। ठीक है तो लिक्विड के फ्लो होने की वजह क्या है, प्रेशर डिफरेंस, और कैसे फ्लो करेगा लिक्विड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कब तक फ्लो होता रहेगा सर, जब तक दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए तब तक फ्लो होता रहेगा। ठीक है जैसे हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बच्चों एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इधर क्यू, ऐसे बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, तो एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एनर्जी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, समझ लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, आई होप आप समझ गए होंगे इसको कि लिक्विड के फ्लो होने की वजह प्रेशर डिफरेंस है, हीट एनर्जी की फ्लो होने की वजह टेम्परेचर डिफरेंस है, और बॉडी के मूवमेंट करने की वजह पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके तो सेम बेटा ये कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है कि जब हम दो कंडक्टर बॉडी को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, कंडक्टर बॉडीज, क्योंकि ये जो मेथड है वो किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए। तो जब हम कंडक्टर बॉडी को पास लेके आते हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है वहां पर जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी फ्लो करता रहता है। कब तक फ्लो होता रहेगा सर, जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फ्लो करता रहेगा, समझ रहे हो, नहीं हुआ तो फ्लो करता रहेगा। ठीक है सर ये फ्लो जैसे मान लो एक हाई पोटेंशियल बॉडी एक लो पोटेंशियल बॉडी दोनों को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लेके आ गए, सर क्या हुआ, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक दोनों बॉडी का बेटा जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। सर ये पोटेंशियल सेम होने में कितने दिन लगेंगे, माइक्रो सेकंड में, सडन
ऐसा नहीं कि चार दिन तक वेट कर रहे हैं सर चार्ज ही नहीं हो रही है बॉडी, ऐसा नहीं होता है। जब कंडक्टर बॉडी को लेके आए बेटा सडन प्रोसेस होता है सुपर फास्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले, और भी अभी बातें बाकी है, बहुत बातें सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर भाई कंडक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। ध्यान समझना एक एक बात को, एक एक बात आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, when a charged object when a charged body is connected with uncharged body then charge, रुको यहां रुक जाओ, चार्ज के सामने बेटा पॉजिटिव लिख दो, ध्यान से बताऊंगा अभी, देन चार्ज फ्लो बिटवीन देम फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल समझ रहे हो। तो बच्चा यहां पे ये सिखाया गया है कि सर जब दो कंडक्टर बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ फ्लो होता है, लेकिन चार्ज के सामने एक चीज लिखी है पॉजिटिव। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, बहुत बड़ा पॉजिटिव। ये यहां पे बेटा हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा, बिकॉज नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में क्या हो जाता है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं की पॉइंट क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ट्रांसफर होता है कौन, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए बच्चों तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। सीखते हैं अभी, सही है, सहमे रहें अपने आप को, पेशेंस रखें भाई। अब बच्चों पोटेंशियल के बारे में वैसे तो अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि पोटेंशियल किसी बॉडी का कैसे लिखा जाता है, बट अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, उसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बच्चों अगर कोई बॉडी है इस तरीके से आर रेडियस की, स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है और इस पर चार्ज है बेटा प्लस क्यू, क्या है चार्ज इस पर प्लस क्यू। एक्चुअल में कंडक्टर बॉडीज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां पे चार्ज जो होता है बेटा वो सरफेस पर स्प्लिट हो जाता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस चार्ज की वजह से इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो आ जाता है के क्यू बाई आर। कितना आ जाता पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, दिस इज अ पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। के क्यू बाई आर, के क्या है सर यहां पर, अभी तो आप लोगों को लिए कुछ नहीं है, अभी कांस्टेंट मान के चलो, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बट फिलहाल आप अपने दिमाग में ऐसा मान के चलो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है यार, समझना ध्यान से। अब सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पहले मैं एग्जांपल समझाऊंगा कंडक्शन मेथड में, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कंडक्शन मेथड को समझाने के लिए मैंने कुछ चीजें यहां बताई थी आपको, जिससे आपकी समझ में बेटर अंडरस्टैंड हो सके कि कंडक्शन मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, समझ रहे हो। तो कंडक्शन मेथड क्या होगा बेटा, वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर बॉडीज, ओके। चार्ज कैसे फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जब दोनों कंडक्टर बॉडी को आपस में कनेक्ट किया जाएगा या एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा जाएगा, समझ रहे हो। तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा और वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव,
अगर बात नेगेटिव पे आ गई तो नेगेटिव इधर फ्लो करेगा। अरे नेगेटिव मतलब नेगेटिव, उल्टा उल्टा ही चलेगा ना यार। आपने देखा आपने सोसाइटी में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती तो वो तो उल्टी चलेगी ना भाई, समझ रहे हो? तो वो रिवर्स काम करते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्क करते हैं। इसलिए यहां भी आप उस तरीके से समझ सकते हो, पॉजिटिविटी क्रिएट करो माइंड के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा यार। चलिए अब बच्चों मैं कुछ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, कि चार्ज कैसे स्प्लिट होता है। छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। अभी मैंने इतना समझाया कि इस बॉडी का पोटेंशियल जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, बॉडी पे चार्ज कितना, बॉडी की रेडियस कितनी है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं, इसी से हम समझेंगे चीजों को कि एक इस तरफ स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस है बेटा 2r, कितना रेडियस है 2r, और प्लस के 3q चार्ज है। एक बॉडी है इस तरफ जिसकी रेडियस है बेटा r और चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई चार्ज है ही नहीं इस पर। जब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं। सर एक कनेक्ट, बीच में कनेक्शन क्या है बेटा? देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे बोले जाते हैं उनमें यह बोला जाता है कि दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो या तो इनको आपस में कॉन्टेक्ट में रख दो आप, या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, ठीक है, उससे कनेक्ट कर दो। एक ही बात है, कॉन्टेक्ट में रखना या कनेक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट करना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए अब हमसे ये पूछा है कि सर इन पे आफ्टर कनेक्टिंग वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के बाद इन पे चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएंगी। पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूं, यहां पे मैंने क्या समझा था बताओ, कि मास फ्लो करता बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लिक्विड फ्लो करता हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और एनर्जी फ्लो करती हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर। कब तक? जब तक दोनों एंड का या तो टेंपरेचर सेम ना हो जाए या दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे, तो आपको यह समझ आ गया कि सर ये चार्ज ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बिकॉज भाई यहां पे चार्ज है, सर यहां पे चार्ज ही नहीं है तो इसका पोटेंशियल ही नहीं है, अभी तो पोटेंशियल जीरो मान के चलोगे आप। तो सर इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है, यह बात समझ आ गई। चार्ज कैसे फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यह बात भी समझ आ गई। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके चलिए बेटा अब करते हैं हम इसको सॉल्व। सॉल्व करने के लिए बेटा मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझना, एक ये बॉडी थी बेटा जिसकी रेडियस थी 2r और इसको कनेक्ट करना चाह रहे थे हम लोग r रेडियस के साथ, कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, समझ रहे हो? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों यहां से चार्ज का कुछ अमाउंट चला गया फ्लो होके, क्यू मान लो, तो क्यू फ्लो के आया तो यही होगा, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया क्यू, तो यहां कितना बचा बेटा थ्री क्यू, सॉरी कितना था पहले बेटा कैपिटल थ्री क्यू, कैपिटल थ्री क्यू था, अरे रे क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, क्या था पहले थ्री क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू क्यों किया, अरे सर क्यू ट्रांसफर हो गया यार, अंडरस्टैंड, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, क्यू यहां से यहां ट्रांसफर हो गया तो कितना आ जाएगा अब चार्ज यहां पर 3q माइनस क्यू, और यहां पर कितना आ जाएगा क्यू। सर ये रामायण कब तक चलती रहेगी? जब तक दोनों बॉडी का बेटा पोटेंशियल सेम ना हो जाए, सही है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सर पोटेंशियल लिख दो यहां पर, तो पोटेंशियल लिखे बच्चा, तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इस बॉडी का पोटेंशियल देखो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि क्यू की वैल्यू कितनी है 3q, अरे 3q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 2r, सामने वाली बॉडी पर चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाय r, r ने r को बहुत मारा, k ने k को बहुत कूटा, समझ रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो बेटा। अब आगे की रामायण में यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, यहां से कितना आ गया 3q माइनस क्यू इज इक्वल टू 2q, टू इधर चला गया, इसको इधर ले गए,
इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 3q, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई क्यू। ओके, तो एक्चुअल में क्या हुआ बताना मुझे, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया यहां से इधर, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया आगे बेटा यहां से, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, क्यू चार्ज ट्रांसफर होकर आ गया दिस बॉडी टू दिस बॉडी। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मैं इसके लिए कंसेप्ट लिखा रहा हूं आपको, इतना इस तरीके से आप कैलकुलेटर नहीं करोगे, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं, कंसेप्ट को देखेंगे आप लोग। अब शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसको, कंसेप्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। बच्चा जो चार्ज था यहां से v जो था के q बाई आर, ठीक है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल वो कैसा रहेगा, सेम कॉन्स्टेंट। अरे भाई q बाई आर v अपॉन k, अब जब इनको कनेक्ट कर दोगे बाद में तो पोटेंशियल कैसा होना बेटा इनका, सेम होना, पोटेंशियल सेम होना है। तो सर जब ये पोटेंशियल सेम होना दोनों बॉडी का तो q बाई आर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी q अपॉन r इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे बच्चों, अरे पोटेंशियल दोनों बॉडी का सेम हो जाए तो ये सेम हो गया दोनों के लिए, और k सेम है पहले से, k कांस्टेंट है, तो इसका मतलब q बाई आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग यहां से यार ये भी बोल सकते हैं सर q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ध्यान से समझना यार, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये हो गया सर। तो अब मैं डिफरेंट बॉडीज पर कैसे चार्ज निकाल सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से बेटा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे चार्ज डिफरेंट बॉडी पर के बाद में कनेक्ट करने के बाद क्या चार्ज आ गया दोनों बॉडी पर। मान लो वन पे निकाल रहा हूं, वन पे तो क्यू वन डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, शुरुआत में जो भी चार्ज था टोटल, क्यू टोटल इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मैं, अब आपको पता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है, तो बेटा q जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r आया तो q1 लिख रहा हूं तो सामने क्या आ जाएगा बेटा r1, और डिवाइडेड बाय q टोटल लिख रहा हूं तो टोटल रेडियस मतलब दोनों रेडियस का सम। ओके, ये सर q2 लिखो, q2 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 अपॉन q टोटल, और सामने बच्चा क्या आएगा q2, q2 मतलब रेडियस r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ये मतलब ये आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं आसानी से। सर अगर हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे होते तो कैसे निकाल पाते, चलिए देखिएगा यहां पर, बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा स्मॉल है यहां लिखने में, दिखाई दे रहा होना चाहिए वैसे तो, चलिए इस बॉडी पर निकालो सर कितना चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पर बाद, जिससे देखो अब कितना चार्ज आ गया, q यहां से इधर चला गया था, q की वैल्यू q आई थी तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा बेटा, 3q में से q चला गया तो क्या बचा हुआ होगा 2q, यानी कि इस बॉडी पर आफ्टर कनेक्टिंग कितना चार्ज हो गया होगा 2q, और इस पर कितना चार्ज हो गया होगा q, वही चार्ज हम यहां से चेक कर लेते हैं। q1 फर्स्ट बॉडी पर चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, दिस इज अ टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर कनेक्टिंग, तो कनेक्ट करने से पहले यार कितना चार्ज था दोनों बॉडीज पर, 3q और 0 तो 3q हो गया यार, 3q इज इक्वल टू फर्स्ट वाली रेडियस 2r डिवाइडेड बाय दोनों रेडियस का सम 3r, 3 ने 3 को मार दिया, r ने r को मार दिया, q1 की वैल्यू कितनी आ गई यार यहां से, शॉर्ट ट्रिक से देखो एक ही बार में आंसर 2r आ गया, सॉरी 2q आ गया। ठीक है, दूसरी वाली बॉडी पे चार्ज q2 अपॉन टोटल चार्ज 3q, रेडियस r2 की वैल्यू कितनी बेटा, r2 वैल्यू कितनी, केवल r डिवाइडेड बाय 3r, 3 ने 3 को मार दिया, सॉरी गलत मार दिया यार, ठीक है 3 ने r को मार दिया था, हो जाता है कभी कभार, हो जाता ना कई बार लड़ाई में हो रही कुछ लोगों के बीच में और कुछ लोग ऐसे एक्स्ट्रा पिट जाते, हो जाता है, 3 ने 3 को मार दिया बेटा, R ने R को मार दिया और Q2 की वैल्यू आ गई Q, Q2 वैल्यू कितनी आ गई Q, समझ रहे हो ये वैल्यू आ गई। तो यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ही आपको यूज करनी है, ठीक है
अब मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लूंगा ऐसे, ठीक है, जहां पे हम लोग कंडक्शन मेथड को डिस्कस कर रहे होंगे, यार कंडक्शन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बना लो एक बार इसको, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं यार नेक्स्ट कंडक्शन बेस्ड पर एग्जांपल। अब सोचो कंडक्शन मेथड पर हम कितने सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन लोग अब यहां पर, समझ रहे हो। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होंगे, हटा देते हैं इसको यार एक बार। मुझे लग रहा है आज हमारे सेशन में सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन मेथड ही कंप्लीट होगा, इंडक्शन का नाम कल आएगा। इंडक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, इंडक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है सर, मजे कर रहे हैं घर पे, आराम से रिलैक्स हैं एकदम। बेटा स्टडी पे फोकस करें, स्टडी को एंजॉय करें यार, पढ़ाई में बहुत मजे। फिजिक्स को बेटा सीखें, रटे नहीं कभी भी, फिजिक्स को बेटा सीखें। फिजिक्स एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं और बहुत मजे कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं अब, बहुत मजे करेंगे सर एग्जांपल में। छोटा एग्जांपल पहले, सिंपल बच्चों, एक बॉडी है इस तरीके से, इसकी रेडियस है 2r, 10 कूलाम चार्ज, एक बॉडी इसकी रेडियस r है, माइनस टू कूलाम चार्ज है, ठीक है, इतना चार्ज है दोनों पर, दोनों को कनेक्ट कर दिया सर, वैल्यू ऑफ चार्ज, नहीं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडीज आफ्टर कनेक्टिंग विद ईच अदर, लिख दे रहे हैं आलसियो, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, आप वीडियो को रोक के बेटा आंसर भी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कनेक्टिंग विद ईच अदर, कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद सर इन पे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल यार, कैसे, Q1 टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा, ये 8 कूलाम, रेडियस इसकी, इसी पे चार्ज निकालो तो इसकी रेडियस 2R, रेडियस का सम 3R, देखते ही आंसर, R ने R को, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, Q1 आ जाए बच्चों 8 जाएगा इधर, 16/3 कूलाम, 16/3 कूलाम। सेकेंड बॉडी में चार्ज निकाल दो यार, खुद सॉल्व कर सकते हैं अब, Q2 डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज 8 कूलाम, रेडियस इसकी R है सर, टोटल रेडियस का सम कैंसिल कर दिया यहां से, Q2 कम्स आउट टू बी 8/3 कूलाम, आगे वैल्यू कर सकते हैं ना यार, बहुत ही सिंपल है सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ही लेता हूं मैं, इजीएस्ट एग्जांपल ले रहे हैं यार हम लोग, ये 4R 25 कूलाम, R -5 कूलाम, कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूं इसको, कर देना भाई, चलो अलसी मैं ही कर देता हूं, 1 पर चार्ज
टोटल चार्ज कितना बेटा 25 और माइनस 5 20 हो गया 20 कूलम। फर्स्ट वाले की रेडियस बेटा 4r, दोनों रेडियस का सम 5r, r ने r को मार दिया, ये 5 ने 20 को कैंसिल कर दिया, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई इधर आ गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 कूलम। ठीक है, इसके बाद सेकेंड बॉडी पर चार्ज Q2 अपॉन 20 कूलम, Q2 सेकेंड बॉडी का रेडियस ये 5R कैंसिल कर दो, Q2 इज इक्वल टू 4 कूलम आ गया चार्ज। कर सकते हो इस तरीके से निकाल सकते हैं यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी बच्चों, अगर बॉडीज का जो साइज है वो इक्वल हो जाए, इक्वल समझ रहे हो, दोनों की रेडियस बेटा सेम हो गई, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा बताओ। तो यहां पर एक की पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, क्या इन केस ऑफ सेम साइज ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वहां क्या होगा सर, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस भी आर, जो भी चार्ज है क्यू वन शुरुआत में और यहां पे क्यू टू, कैसे डिवाइड करेंगे सर, इस पे क्या आएगा चार्ज क्यू वन डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू, टोटल चार्ज हो गया इज इक्वल टू इसकी रेडियस आर डिवाइडेड बाई दोनों रेडियस का सम 2R, कैंसिल हो गया, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल चार्ज का आधा, Q2 भी इतना ही आएगा, तो दोनों बॉडी पे चार्ज कैसा आता है बेटा सेम सेम, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, किस केस में, आइडेंटिकल बॉडी केस में। तो अब आइडेंटिकल बॉडी दिख जाए आपको तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो, हाफ हाफ चार्ज को डिवाइड कर सकते हो। कैसे बच्चों, एक बॉडी इसकी रेडियस है आर, 10 कूलम चार्ज है, माइनस 2 कूलम चार्ज है, रेडियस है आर, आफ्टर कनेक्टिंग पूछा है क्या होगा चार्जेस की वैल्यू दोनों बॉडीज पर, तो बच्चा क्यू वन कितना निकाल दोगे, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू, बिकॉज दोनों की साइज सेम है सर, तो 20 में से इसको सॉरी 10 में से इसको सेपरेट कर 8 कूलम, 8 कूलम का आधा 4 कूलम, तो दोनों बॉडीज पर इतना चार्ज आ गया। यहां पर ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, एक बॉडी ऐसे रेडियस आर, रेडियस आर इसकी वैल्यू है बेटा, इस पर चार्ज 31 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन के टर्म में दे दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में दे दिया चार्ज, क्या होगा बताओ सर, कनेक्टिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन व्हाट हैपन, बताइए क्या होगा। अब आप वीडियो को स्टॉप करके बेटा इसके बारे में सोच लें एक बार मेरे बताने से पहले, क्या होगा देखिएगा। अब बच्चों जैसे आप क्या करोगे कि सर आधा आधा चार्ज कर लो, मैं तो टोटल चार्ज को ऐड करके हाफ कर दूंगा दोनों बॉडीज पर, क्लियर, तो 31 इलेक्ट्रॉन प्लस 20 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 51 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, और 51 का आधा 25.5 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, 25.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं बॉडी पर चार्ज, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, तो सर फिर क्या होगा, कौन सा चार्ज किधर जाएगा, किस पर रहेगा कौन सा चार्ज। तो बच्चों इस केस में क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, पहली बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसा नहीं हो सकता है सर, समझ रहे हो बेटा, 25.5 पॉसिबल नहीं है, एक दिन में दे सकता हूं आपको सोचने के लिए, कर सकते हो, समझ रहे हो, कोई नहीं बता दे रहा हूं बेटा, 31 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आ गया 51 इलेक्ट्रॉन। अब 51 में से क्या हुआ, 25 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया चार्ज और 25 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इधर रहा तो
तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, ये बोलेगा नहीं मुझे तो बराबर चाहिए चार्ज, तो बेचारा वो इधर जाएगा, जैसे उधर पहुंचा वहां चार्ज बढ़ गया, वो बोला मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे चार्ज बढ़ रहा है, तू उधर जा वापस, वापस लौटेगा मुझे रख लो, समझ रहे हो, ये बोलेगा इससे वापस आके मुझे वापस रख लो, नहीं नहीं तू जा, धक्का दे देगा ये भी, फिर वो भी धक्का दे देगा, इस बेचारे का जीवन धक्कों में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो वन इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बड़ी मुसीबतें हैं। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन एस ऑसिलेट करता रहेगा इसमें, वन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स ऑसिलेट्स बिटवीन बॉडीज, बेटा किसी बॉडी पर नहीं रहेगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा बॉडीज के बीच में, समझ लो, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, घूमता रहेगा, सही है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेंगे बेटा, मैं यहां थोड़ा जगह कम है इसलिए कोशिश करेंगे बनाने की, एक ऑब्जेक्ट इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर, ठीक है, ये चार ऑब्जेक्ट है, ए बी सी एंड डी, इस पर मान लेते बेटा 20 कूलाम चार्ज, 10 कूलाम, 10 कूलाम, और यहां पर मान लेते हैं यार 4 कूलाम चार्ज। अब देखो लैंग्वेज से लिख लो आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कनेक्टेड, ए ए इज इन कॉन्टेक्ट विद बी, बेटा ए कनेक्ट कर दो बी से या कॉन्टेक्ट में ले जाओ, बात एक ही है, ठीक है, A is in contact B, after it A is in contact C, after it A in contact with D, then what is the final charge on four objects? क्या किया बेटा मैंने बताओ, A को पहले बेटा B के साथ कनेक्ट किया, फिर यहां से हटाया, फिर यहां कनेक्ट किया, फिर यहां कनेक्ट है, बोला फाइनल चार्ज बताओ क्या होगा, बता सकते हो, आसान है, ठीक है, पहले वाले प्रोसेस को देख लो, फर्स्ट प्रोसेस को, जब आप इसको इसके सभी के रेडियस आइडेंटिकल है, सभी के बेटा जो रेडियस है वो कैसे हैं आइडेंटिकल, आर आर सभी के रेडियस आइडेंटिकल, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, डिफरेंट रेडियस के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे बेटा तो टोटल चार्ज कितना देखना, दोनों पे ऐड करोगे तो ए और बी पे कितना चार्ज हो गया टोटल, 20 प्लस 10 30, और 30 के हाफ कितना आ गया 15, तो यानी कि इस पे भी 15 और ए पर भी 15, तो बेटा यहां बी रह जाएगा फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, बी पर 15 कूलाम और ए पर भी 15 कूलाम, क्यों सर, समझ रहे हो बेटा, पहले इन दोनों कनेक्ट किया आपस में, दोनों पे चार्ज 30 था, कनेक्ट करने के बाद आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 15 और 15 ये इक्वल है, ठीक है। अब क्या करो, ए को यहां ले गए, अब सोचो इस पे 15 कूलाम था, इस पे 10 कूलाम है, दोनों को ऐड किया तो 15 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 25, 25 का आधा 12.5, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, सेकंड प्रोसेस के अंदर सी पर जो चार्ज आएगा 12.5 और ए पर कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। अब 12.5 को फिर डी पे ले गए, अब D पे चार्ज कितना 4, या ऐसा कर लो समझने के लिए इसको मान लेते हैं 4.5, सही है, वैसे तो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा मान से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो इस पर कितना बचा था बेटा, A पर कितना आया था 12.5, अब 12.5 को यहां कनेक्ट कर दिया, तो 12.5 के साथ 4.5 कनेक्ट करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा 13 और 14 17, 17 का आधा 18.5, तो क्या आ गया D पर 8.5 और ए पर भी 8.5, तो बेटा फाइनल जो चार्ज हो गए वो कौन कौन से हो गए, बी पर सर इतना, सी पर इतना, डी पर इतना और ए पर इतना, सही है। ये ए का कौन सा चार्ज है बेटा, ये तो स्टेप बाय स्टेप खत्म होता चला गया ना यार, ये तो मैंने स्टेप बताया, फर्स्ट स्टेप में आया, सेकंड में आया, थर्ड लास्ट में इतना, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे आए इस लेक्चर के अंदर यार। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे, आज हम लोग जैसा सोच के आए थे वैसा तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट जो भी हुआ उसको अच्छे से पढ़ना प्रॉपर तरीके से। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, ओके।